हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to Good Morning Ads. मैं हूं आपके साथ अरम काजमी और मैं हूं सवाशी। नवंबर और बुध का दिन और बिल आखिर एक तवील इंतजार के बाद हम आज फिर से वापस आ ही चुके हैं। पांच दिन के बाद आज दोबारा आपसे मुलाकात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये उम्मीद भी करते हैं हम कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। ओवरऑल इस सारे दौरान में मुल्क में काफ़ी कुछ हो गया, पर शुक्र ये है कि अच्छी बात यह है कि सब चीज़ों का अख्ताम बड़ा बखैर वाफियत हो चुका है। वरना जो हालात दिखाई दे रहे थे, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी थी कि शायद मार्शल लॉ लग जाए या फिर हुकूमत हो जाएगा। बहरहाल कलमा पढ़ते पढ़ते सब मुसलमान हो ही गए। लेकिन जनाब यहाँ पर धरना तो खत्म हो गया पर हुकूमत की मुश्किल खत्म नहीं हुई। जैसा कि कहा जा रहा था कि बात सिर्फ एक इस्तीफे तक नहीं रहेगी बल्कि और इस्तीफों तक भी जाएगी, तो बिल्कुल वैसा ही होता हमें दिखाई भी दे रहा है। पहले वफाकी वजीर कानून के इस्तीफे का मुतालबा सामने आता रहा पर अब पंजाब के इस्तीफे की भी सदाएं दे रही हैं। यहाँ तक कि हमीदुद्दीन साहब ने तो ये भी कह दिया है कि राणा साहब यहाँ पर आए, कलमा पढ़ें और इस्तीफा दें, तभी बात बनेगी। फिर जैसे कि मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे यानी ट्वीट में भी जो है वो ये बात वाजे की थी कि पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो बिल्कुल वैसा होता भी आपको मेरा ख्याल है सबको दिखाई ही दे रहा होगा। इन इस्तीफों का मुतालबा अब सिर्फ धरना मुजाहरीन की जानिब से नहीं बल्कि अब दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी सुनाई दे रहा है, जिसके बाद असम्बलियाँ तोड़ने और फौरी इंतखाबात कराने के मुतालबात ने भी जोर पकड़ लिया है। साथ ही साथ नून लीग के अंदर से भी इख्तलाफात की बातें आ रही हैं जो पहले सिर्फ शरीफ फैमिली की हद तक महदूद थी, लेकिन अब पूरी ही फैमिली से निकल कर ये पार्टी तक बातें आना शुरू हो गई हैं। फिर कल नवाज शरीफ ने भी वजीर दाखिला की काफ़ी क्लास ली है और जो जो सवालात उन्होंने किए हैं तो डेफिनेटली आवाम भी इन्हीं सवालात के जवाब चाहती है, क्योंकि ये बातें सिर्फ जो धरना दिया गया, ये 22 दिन का धरना सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं था बल्कि आवाम के लिए भी एक बहुत कड़ा इम्तिहान था। तो आखिर कोताही किसकी थी, नुकसान किसका हुआ, इस सब पर आज के शो में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब पिछले हफ्ते से लेकर आज तक चल रहा है धरना धरना और सिर्फ धरना और बिलाखिर धरना अख्तिताम पजीर हो गया है, लेकिन अभी पंजाब असेंबली के बाहर कुछ लोग बैठे हैं जिनके मुतालबात हैं और वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह जो हैं वो इस्तीफा दें। तो की जाए ओवरऑल धरने की, जहां तक बात की जाए ओवरऑल सूरत हाल की, तो सियासी सूरत हाल से आज न्यूज़ आपको लम्हा ब लम्हा आगाह तो करता रहा, आपको बताता रहा कि धरने में क्या चल रहा है। और कल समात के हवाले से भी हमने आपको आगाह किया कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स की जो समात है दिसंबर तक मुलतवी हो गई है। तो एक जानिब जहां पर अपोजिशन समेत तमाम लोग ही ये पूछते नजर आए क्या हुकूमत इतनी बेबस थी, क्या हुकूमत की इतनी कोताही थी कि वो धरने को 20 से 21 दिन या 22 दिन तक कंट्रोल नहीं कर सकी। वहीं कल असेंबली में भी बिलाखिर नवाज शरीफ बरहम हो गए और साथ साथ उन्होंने वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल से कई कड़े सवाल किए और उन्होंने यही पूछा कि इस कोताही की वजह क्या है। तो देखा जाए तो जहाँ पर नवाज शरीफ बरहम है और वो भी वही नजर आ रहे हैं जो कि हम सारे ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी इतनी कोताही की वजह क्या थी, तो एहसन इकबाल ने फिर उनको जवाबात दिए, उनको मुतमईन किया या नहीं किया ये तो उनकी पार्टी कायदीन और मरकजी क्यादत बेहतर तौर पर जानती है। लेकिन बिलाखिर नून लीग से भी आवाजें उठना शुरू हो गई, धरना खत्म हो गया है, शहर की सूरत हाल मामूल के मुताबिक आ गई है, मगर जिन इमलान पहुंचा है जैसे कि मेट्रो बस स्टेशन है, जैसे कि दूसरी और चीज़ें हैं, अब उनका अजाला किया जाएगा। वहां पर ऑपरेशन क्लीनअप जारी है, पहले एक नाकाम ऑपरेशन जारी था जिसके बाद एहसन इकबाल अदलिया के उस बयान के पीछे छुप गए कि जी अदलिया ने कहा था ऑपरेशन करें, मैं तो चाहता ही नहीं था कि यहाँ पर किसी किस्म का ऑपरेशन की जाए, कोई मज़ाहमत की जाए। बहरहाल ये सारी सूरत हाल हुई ख़त्म और अब जो सिलसिला बचा है वो नून लीग के हवाले से बचा है कि जो नून लीग की ओवरऑल वो कहाँ पर है, नून लीग की जो स्टेक है वो कहाँ पर खड़ी है, तो इसी हवाले से आज सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। क्योंकि धरना तो खत्म हो गया लेकिन धरने के पीछे क्या सम्राट थे, क्या थे और किस तरीके से इसको इतने दिन तक चलाया गया, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ साथ समातों के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। कौमी असम्बली का अजलास भी लाइनअप है दिसंबर में, सेनेट का अजलास भी लाइनअप है दिसंबर में, हल्का बंदियों के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी शामिल करते हैं यहाँ पर गुड मॉर्निंग आज की टॉप स्टोरीज। इस्लामाबाद धरने को सही तरीके से डील क्यों नहीं किया गया, पंजाब के इजलास में नवाज शरीफ ने हसन इकबाल की क्लास ले ली, सारी सूरत हाल पर पार्टी के दीगर रहनुमा भी तशवीश का शिकार, क्या मुस्लिम लीग नून एक और धरने से निकलकर कमजोर हो गई या मजबूत, सवाल उठने लगे।
फैजाबाद धरना खत्म लेकिन लाहौरी उठने से इनकारी। चेयरिंग क्रॉस पर पांचवें रोज भी धरना। एक वजीर कानून के जाने से काम नहीं चलेगा। सूबाई वजीर कानून राणा सनाउल्ला को भी जाना होगा। मुतालबे पे अड़ गए। खत्म नबूवत मामले के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और 14 के कत्ल की FIR दर्ज कराने का भी मुतालबा। आपकी जो तरतीब दी जाती है यानी जो हमारा सिलेबस है ओवरऑल वो निसाब जो है उस पर तहरीके लबैक के दो नुमाइंदे भी शामिल किए जाएं, जो कि बड़े ताज्जुब की बात है कि आप इस तरह से ऐसे किस तरह से ये तमाम तर मुतालबे कर रहे हो और हुकूमत की जानिब से इन हर मुतालबों के ऊपर लबैक कहा जा रहा है, हर मुतालबा माना जा रहा है। सब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ये लाउड स्पीकर के ऊपर जो मुतालबा किया जाता है तो फिर से इसी वाले से अदालत ने जब तलब किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया था एहसन इकबाल को, तो एहसन इकबाल से पूछा था कि हमने तो आपको कहा था कि धरना खत्म करें, क्लीन करें, ना हमने तो आपको मुजाहमत करने का कहा ही नहीं था, दूसरा हमने ये तो नहीं कहा था कि आप मुहिदे करें या उनके सामने आप झुक जाएं। तो एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्की मुफाद में ये चीज़ बेहतर थी, अनारकी ना फैले सूरत से बदतर ना हो, इसलिए मैंने ये मुहिदा किया। और इस मुहिदे के बारे से एहसन इकबाल जो है वो ओवरऑल क्लेरिफिकेशन दे चुके हैं। अच्छा, लेकिन सब सारा ओवरऑल जो सिचुएशन हमने देखी है उसमें हमें लगा ये है कि जो जो मुतालबा तहरीक लबैक की जानिब से किए तमाम तर मुतालबात मनोन मान लिए गए हैं और ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने अपनी तरफ से कोई रेजिस्टेंस शो की हो, कोई ऐसी बात जो हुकूमत ने भी अपनी मनवाई हो, लेकिन ऐसा हमें कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई। एनीवे ये जो खबर थी वो तो यहाँ पर लगाई गई है और यही खबरें जो है वो आज यहाँ पर मेन है। इसके अलावा अगर कुछ आज की एक्टिविटीज़ के हवाले से आपको बताएँ तो वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाक़ान एक रोज़ा दौरे पर कराची आ रहे हैं और वो कराची पहुंचेंगे जहां पर पोर्ट कासिम पर कोल पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत भी करेंगे। इसके साथ साथ जनाब वो कराची में एक और बड़ा ही ज़बरदस्त इजलास कह लें आप, जलसा कह लें, जलसा मेरा ख्याल है हम कहेंगे ऐसे कि जलसा होने जा रहा है जो कि मुशर्रफ साहब की जानिब से होने जा रहा है। हाँ। और मुशर्रफ साहब उसमें बड़े ही अहम ऐलानात करने जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जी हम तमाम पार्टीज़ को यकजा करेंगे और हम सबकी आवाज़ बनेंगे और पीपल्स पार्टी का मिलकर मुकाबला करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जनाब कराची के अंदर अगर जलसा होने जा रहा है पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबले जो भी जमातें अगर इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उसकी सरबराही कौन करेगा। मुशर्रफ साहब जो है काफी ज्यादा तनकीद करते हुए दिखाई दिए क्योंकि हम सुन रहे थे कि 23 रुकनी जो है वो 23 जमातों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद बन रहा है जिसकी सदारत वो करेंगे। बहरहाल वो इत्तेहाद बन ना सका और अब डेफिनेटली उनको जलसा तो करना ही है क्योंकि डेफिनेटली इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो सबको अपना पोलिटिकल स्टेक जो है वो शो करना है। अगर यहाँ पर हम बात करें धरनों के हवाले से जिसके हवाले से हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं, दूसरी बात अगर हम बात करें दूसरे केसेस के हवाले से तो वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन कल जो है बहुत बड़ा एक इजलास हुआ था, कल सऊदी अरब में जो है एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी। हाँ। और वो इस्लामी इत्तेहाद के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन तमाम लोगों के खदशात को दूर कर दिया गया था। उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, उसमें हमारे आर्मी चीफ भी थे, DGISI भी थे, तो मरकजी और अस्करी क्यादत जो है वो वहाँ पर आपको नजर आई होगी और साथ साथ बहुत ज़बरदस्त जो उनके शहजादे हैं जो उनके वली अहद हैं उनसे भी बात हुई और वहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो इत्तेहाद है इससे पाकिस्तान से दीगर ममालिक को सीखने को मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के लिए सबसे आगे रहा है और सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं। तो इस इत्तेहाद ने जो है उन लोगों को भी वाजे कर दिए, जबकि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ सामने ये आई है कि पाकिस्तान जो है ईरान और सऊदीया के दरमियान दोस्ती के लिए ब्रिज का किरदार भी अदा करेगा। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात थी जो कल हमने देखा कि जिसके हवाले से हम डिस्कशन भी करते रहे। आगे बढ़ते हैं और लाहौर का जिक्र करते हैं और लाहौर में क्योंकि अभी तक धरना जारी है लाहौर में क्योंकि तमाम मामलात हैं मौजूद, तो तारिक खान से पूछते हैं। तारिक खान अभी क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? जी मैं इस वक्त चेयरिंग क्रॉस लाहौर में मौजूद हूं जहां पे इकलौता धरना अगर हम कहें तो वो अच्छा। चली है और क्योंकि फैज़ाबाद में जो ताकत का इस्तेमाल हुआ उसके बाद ये जारी एकजहती के लिए धरने दिए गए, तो लाहौर में जो है जो धरना है इसका ये आज पांचवा रोज़ है और यहां पे शायक जो एहतजाज के जाँच करने वाले हैं उनकी एक तादाद जो है वो मौजूद है। अभी तो सुबह सुबह का वक्त है, उसकी तादाद जो है काफ़ी कम है और आहिस्ता आहिस्ता इसके बढ़ने की उम्मीद होती है, लेकिन कल हमने देखा था कि ये तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी कम ही रही, वो तादाद जो पहले दरोज थी उसके मुकाबले में कम थी। इसके साथ साथ क्योंकि अगर हम ओवरऑल लाहौर तो जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो स्मूथ हो चुके हैं, मार्केट्स जो हैं वो गई हैं, स्कूल और दो दिन रोज़ की छुट्टी थी वो भी हाल हो गए हैं और लोगों ने बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं, तो और क्योंकि ये बड़ा मेन चौक है तो क्योंकि असम्बली हाल है सारे वाबडा हाउस और क्योंकि मेन चौक कहलाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बहाव होता है, तो वो ट्रैफिक का बहाव रुकने के बायस जो इर्द गिर्द के रोड्स हैं
कुछ ट्रैफिक का दबाव काफी ज्यादा है और रश बहुत ज्यादा है, लोगों को वहां से दिक्कत है। यहां पर गुजरने वाले सिचुएशन से तो आपने हमें आगाह किया ही है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि स्कूल्स खुले हैं, बच्चे वापस स्कूल जाना शुरू हो चुके हैं, सुबह सवेरे बड़ी ठंड होती है। और लाहौर के हवाले से चाहूंगी कि वैसे तो दिसंबर में सर्दी शुरू हो जाती है, लाहौर में बकायदा वो जो कड़कती हुई ठंड होती है वो होना शुरू हो चुकी है दिसंबर में। नवंबर के एंड में अब दिसंबर आना शुरू हो गया। कड़कती हुई ठंड का मेरा ख्याल है अभी तक हम बारिश का कर रहे हैं। अच्छा। जैसे ही कोई बारिश हो तो कड़कती हुई ठंड हो जाए, क्योंकि मैं सुबह सुबह आता हूं तो मेरे इस वक्त ड्रेस से मालूम हो रहा होगा कि काफ़ी सर्दी है सुबह सुबह के औकात में, खासतौर पे जब बच्चे जिस वक्त स्कूल जाते हैं तो उस वक्त काफ़ी सर्दी होती है। और बच्चों को खसूसी तौर कवर करके जो स्कूल ले जाया जाता है, तो बड़े जो हैं वो भी मेरी तरह जो हैं वो खासतौर पर कवर करके ही सर्दी से बचने के लिए कोशिश करते हैं। और उसके बाद सर्दी वो उस हवाले से नहीं है, हद तक सर्दी का जो जोर है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन बारिश का इंतजार है। जैसी बारिश तारिकान तो कराची में भी बस पहले ही एक दो दिन कड़कती हुई ठंड आई थी, तो हम लोग यही समझ रहे थे कि भाई अब सर्दी आ गई, लेकिन फिर मौसम जो है वो बेहतर हो गया था दिन में बड़ी कराची में। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे लाहौर से। चलिए जनाब, अब कुछ बात कराची की, और कराची के हवाले से बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज एक रोज़ा दौरे पर कराची आ रहे हैं, और पोर्ट कासिम पर सी पैक के तहत जो तामीर होने वाले कोयले से चलने वाले बिजली घरों का इफ्तिताह करेंगे। तो गवर्नर हाउस में उनकी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज़म नौमान की सूरत हाल पर भी इजलास होगा। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे से, एहसन अब्बासी हमारे लाइन पर मौजूद हैं। एहसन, बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म दौरा जो है वो तो एक दिन का ही है, लेकिन इस एक दिन में क्या क्या मसरूफियात है उनकी? जी बिल्कुल, आज एक रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म अब्बासी का जो कराची का दौरा करेंगे। तकरीबन कुछ ही देर में वो कराची पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधा पोर्ट कासिम जाएंगे। पोर्ट कासिम में जो है वो 320 मेगावाट दो बिजली घरों का सी पैक के मंसूबे के तहत जो बनाए गए हैं, उसके अलावा वहाँ पे एक आला सतह की बिजनेसमैन कम्युनिटी से मुलाकात है, और उसके बाद जो है वो गवर्नर हाउस पहुँचेंगे। गवर्नर हाउस पहुँचने के बाद कराची में अमन अमान के सूरत हाल से मुतालिक एक आला सतह का कि वो सदारत करेंगे। मेयर कराची, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध समेत आला शख्सियात जो हैं वो उस इजलास में मौजूद होंगी। इसके अलावा वो वज़ीर आज़म अब्बासी जो हैं वो कराची पैकेज के हवाले से भी कुछ ऐलानात हैं जो मुतवक्के हैं कि वो भी ऐलानात उनकी जानिब से किए जाएंगे। जी ठीक है जी, कोयले से चलने वाले बिजली घरों का आज इफ्तिताह किया जाएगा से, और ये जितने भी इफ्तिताह होते हैं ये हमारे काम भी आ जाएं, क्योंकि इस तरह के बिजली घरों के इफ्तिताह हो जाते हैं लेकिन कंपाइल नहीं हो पाते। खैर, इस हवाले से ऐसा अब्बासी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आप पेशावर की जानब बढ़ेंगे, और पेशावर हाईकोर्ट की जानब से स्कूल के बच्चों का छतों पर चढ़कर स्कूल जाने वाली बसों और सुजुकी वैन के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानब से खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। दिस इज वेरी गुड। इस वक्त आज न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील पेशावर के रोड पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। जी आमिर, देर आए दुरुस्त आए, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में वालिदैन की दुआएं बिलाखिर सुन ली गई हैं। हाई कोर्ट का इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ फैसला आया है कि स्कूल में जो फीसें हैं वो सालाना 3% से ज़्यादा नहीं की जाएंगी, और इसी तरीके से दीगर हदायात के साथ साथ ख़ास तौर पर ये हदायत दी गई है कि जो बच्चे स्कूल जाते वक्त स्कूल की बसों की छतों के ऊपर होते हैं या लटक कर जा रहे होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही यह अहकाम पुलिस को मिले उसके बाद से खसूसी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आज सुबह से सर्कुलर रोड पर मुख्तलिफ जगहों पर ये कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से मुख्तलिफ गाड़ियों का चालान किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त सर्कुलर रोड के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं। हदायत भाई, क्या कहेंगे कि कल से हदायत आई हैं हाईकोर्ट की जानब से, आप लोगों ने आगाज़ कर दिया है, सुबह से कितना आप लोगों ने चालान किए हैं और क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह कल से हाई कोर्ट का आर्डर आया था कि स्कूल के बच्चे छत पर बैठे होते हैं खतरनाक हालत में, तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर ले। पहले भी हमने इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन ये छोटे बच्चे थे, घर में माँ बाप इसको 20-25 रुपये देते थे, हमने उसके साथ गुजारा किया, गाड़ी वाले भी इसे कम कर लेते और इस तरह हालात है। अभी हाईकोर्ट का आर्डर आया हुआ है कि भाई नहीं, इस तो छतों पर बच्चों को नहीं छोड़ना है, लटकाए हुए खतरनाक हालात में, हर वक्त एक्सीडेंट का हाथ। तो सुबह सवेरे हमारी स्पीड ट्रैफिक साहब ने बजरिए कंट्रोल रूम तमाम ट्रैफिक वाले पेशावर को इतला दिए कि किसी भी गाड़ी पर कोई बच्चा छत के ऊपर नजर न आए और इनके खिलाफ क्रैक डाउन करे, कार्रवाई करे। अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी? अभी तक मैंने बता देखो 10-12 और पॉइंटों पर मैंने 2000 जो चालान बुक जिसके पास इंचार्ज है चौक पर, उसको भी इतला दिए कि इन गाड़ियों के खिलाफ मुहिम चले, कार्रवाई करे, बंद करें गाड़ियों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खसूसी कार्रवाई का
गया। सर्कुलर रोड पर 10 से 12 गाड़ियों को चालान कर दिया गया है, जबकि यही सूरत हाल पूरे पिशावर में है। मुख्तलिफ जगहों पर जो ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके छतों पर बच्चे बैठे हुए स्कूल जा रहे हैं। और पिशावर की ओवरऑल सूरत हाल आपने जानी है, और डेफिनेटली ट्रैफिक के अंदर जो भी तमाम तर तब्दीलियाँ आ रही हैं कवानीन में, वो बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं ज़रूर आप लोगों को ये चीज़ इंडिकेट करना चाहूँगी कि कराची में आजकल जब भी मैं बाहर निकल रही हूँ, बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि वन व्हीलिंग की जा रही है, साथ बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र के लड़के मैं देख रही हूँ सभा के, वो सड़कों पर निकले हैं और इतनी बुरी तरह से वो ड्राइव कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है इसके खिलाफ भी बहुत जल्द कार्रवाई करनी चाहिए आपको। जी हाँ बिल्कुल, कार्रवाई तो करनी चाहिए क्योंकि ट्रैफिक की सूरत हाल तो इंतहाई खराब है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट इस हवाले से वो कंपाइल ही नहीं होते हैं या फिर वो लाइनअप ही नहीं होते हैं, और चाइना से भी मुआहदे हुए थे लेकिन उसके बाद चाइना के मुआहदे मेरे ख्याल में अभी सारी तवज्जो सीपैक पे है, कराची के ट्रैफिक पे किसी की तवज्जो नहीं है, पेशावर के ट्रैफिक पे किसी की तवज्जो नहीं है। खैर गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब आपको बताएं कि फैजाबाद धरना खत्म हुआ तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात हैं उन्होंने भी शिदत इख्तियार कर लिया है। धरना को सही तरीके से वो हैंडल नहीं किया गया, फिर हमने देखा कि लीगी क़यादत वज़ीर दाखला एहसन इकबाल की कारकर्दगी पर भी काफ़ी सवाल, उनसे भी काफ़ी ये क़यादत मायूस नजर आई, जबकि साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से धरना खत्म होने के मौदे और इसके कई नुकात पर नापसंदीदगी का इजहार भी किया गया। वफाकी वजीर दाखला एहसन इकबाल की जान बड़े दावे तो किए गए लेकिन वो धरने को दुरुस्त अंदाज में हैंडल करने में कामयाब ना हो सके। वजारत कानून ने नहीं बनाया था, अगर वजारत कानून ने बनाया होता तो वजीर कानून जिम्मेदार था। सिलेक्शन की तैयारी के लिए अपने नबूवत जैसे लोगों के लिए जो दिल के करीब है और एक हसास मसला है उससे खेल रहे हैं। हमें सिर्फ इस बात का एहसास है कि हम कोई जानी माल नहीं नुकसान नहीं देखना चाहते। फिर सवाल उठा, इस्लामाबाद धरने को सही तरीके से डील क्यों नहीं किया गया। क्लब हाउस में नून लीग के इजलास में नवाज शरीफ ने एहसन इकबाल की क्लास ले ली। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से गैर रस्मी मुलाकातें की। सबसे ज्यादा अहम मौजू फैजाबाद का धरना रहा। नवाज शरीफ ने वजरा से जो सवालात किए उनका ताल्लुक धरने वालों के पसे पर्दा हिमायत वाले अनासिर, धरना मुखालिफ ऑपरेशन की गैर मुअस्सर मनसूबाबंदी, मुतबादल प्लान न होने की वजूहात से था। साबिक वजीर आजम ने धरना खत्म होने के मुआहदे और उसके कई नुकात पर नापसंदी किया। पार्टी कायद के सवालात जब बढ़ने लगे तो एहसन इकबाल ने ये जवाब देने में ही गनीमत जानी कि तमाम तफसीलात से आपको अलहदगी में आगाह करूंगा। अब यहाँ सवाल ये कि क्या मुस्लिम लीग नून एक और धरने से निकलकर मजबूत हुई है या कमजोर। तो जनाब सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून एक और धरने से निकलकर मजबूत हुई है या कमजोर, इन तमाम सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार उवैस तोहेद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी आई एम ऑलराइट, जी गुड मॉर्निंग। जी अच्छा, धरने के हवाले से सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं, ये जो अभी धरना गुजरा है बिलाखिर सूरत कंट्रोल आ गई है, लेकिन इसमें इस सारे प्रोसेस में आप हुकूमत को किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी कोताही हुई, क्या किया क्या नहीं किया, ये धरना पहले भी रैप अप हो सकता था? 21 रोज जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरह से ये वाइंड अप हुआ धरना, उससे रियासत की और सबकी कलाई खुल गई। रियासत के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा धचका है। प्रोग्रेसिव फोर्सेस, मॉडरेट मोतदल जो लोग हैं, दाल पसंद लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि एक इंतहा पसंद जत्थे ने किस तरह माशरे को, किस तरह दो शहरों को यरगमाल बनाया। इनका एहतजाज का आईनी और कानूनी हक होता है हर ग्रोह का, हर इंडिविजुअल का, लेकिन यरगमाल बना लेना और फिर इस तरह मुआहदा करना जिसके ऊपर सबकी आंखें खुली हुई है कि ये क्या बैन अक्वामी तौर पर जो है किस तरह का इमेज आपका गया है, ये क्या जो कुछ हुआ है 21 रोज के अंदर, नेशनल एक्शन प्लान की क्या वो खिलाफ वर्जी नहीं थी, इंतहा पसंदी नहीं थी उनकी तकरीर में, नफरत आमेज उनकी तकरीर नहीं थी, क्या नहीं था, बदतमीजी, तोबा तोबा, मतलब वहां के रजनी साथ लगा रहे थे, ये कौन से ऐसे लोग हैं जिसके आगे इन्होंने हथियार डाले हैं। देखिये मैं समझता हूँ कि मेरी नाकिस राय के अंदर ना फौज को इन्वॉल्व करना चाहिए था, ना फौज को इन्वॉल्व होना चाहिए था। ये नून लीग के लिए इब्तदाई तौर पर ये एक इंतजामी मसला था जिसको सियासी बहरान
इन्होंने बना दिया, ना कोर्ट का ये मसला था, ये किस तरीके से कि 2,500 लोग आए। वैसा बिल्कुल यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या हुकूमत के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि जो जो नुकात उन्होंने लिखे थे उनको मान लेते, उसी तरह मिनान मान लिया उन्होंने हुकूमत ने, इसके अलावा कोई स्केप नहीं था हुकूमत के पास, इतने बुरे हालात आ चुके हमारे। देखिए ये हुकूमत की कमजोरी इनडिसाइसिवनेस सब रिफ्लेक्ट करती है, अक्कासी कर रही है, और हमें ये लग रहा है कि नून लीग जो है वो एक जमात नहीं है, उसके कई हिस्से बखरे हुए हुए हैं। एक सल्तनत अब्बासिया है जो जिसके अंदर एहसान इकबाल वगैरह शामिल हैं, एक नवाज शरीफ साहब के लॉयलिस्ट हैं, जो भी नवाज शरीफ वगैरह कह दें वो उसको अनुमान मानते हैं, जिसमें मुशाहिदुल्लाह और साद रफीक और आप नाम दे दीजिए, फिर एक मुस्लिम लीग है जिसके जो शहबाज शरीफ की है, कि उनके तर्जुमान टीवी चैनल पर बैठ कर कह रहे हैं कि 7C जो है जिसमें तरमीम की वो हुकूमत जिम्मेदार है, हुकूमत कह रही है पार्लियामेंट पूरी जिम्मेदार है, पूरी अपोजिशन जिम्मेदार है। देखिए ये तो बहुत ही, और फिर वो ज़हीम कादरी जो है पंजाब गवर्नमेंट के, वो जाके एक पीर के पास जब वो वीडियो देखिए वायरल हुई हुई है कि किस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर आके पलीस जो है वो पाक हो जाता है। अगर ओवरऑल बात की जाए धरने के वाले से, जो भी धरना रहा यही बात करें कि हुकूमत की कोताही तो शामिल रही, लेकिन बहुत सारे सियासी हलकों में भी अपोजिशन की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि हुकूमत तो खुद चाहती थी कि इस तरीके की पैनिक क्रिएट हो, हुकूमत तो चाहती थी कि इस तरह से जो है वो तसादुम किसी सूरत हाल हो, क्योंकि इससे पहले अदालत की जानिब से भी एहसान इकबाल को कहा गया कि जी ये धरना आप क्लियर कराएं, पहले उन्होंने 48 घंटे का टाइम मांगा और फिर उसके बाद उन्होंने एक नाकाम ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन के बाद फिर अदलिया के फैसले के पीछे वो छुप गए और अपनी पोजीशन उन्होंने क्लियर करने वाले से हमने देखा कि चौधरी निसार ने भी उनको तनकीद का निशाना बनाया। देखिए इनके इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, इंडिसाइसिवनेस सामने आ रही है, ये वजीर वफाकी वजीर दाखिला है, ऑपरेशन जब नाकाम हुआ तो उसके बाद इन्होंने डिप्टी कमिश्नर और IG और उसके सर पे थोप दिया, भाई आप जिम्मेदारी लीजिए, 24 घंटे मॉनिटर कीजिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ कैसे, पंजाब हुकूमत नहीं है, उससे पहले GT रोड पर जब ये काफले आ रहे थे वहीं पे इनको हाई कोर्ट का जो रूलिंग है उसके अंदर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा धरना साफ करते हैं आतिशगीर माता ना इस्तेमाल करें, भाई ये कौन सा ऐसा धरना 2,500 का साफ कर देंगे मैं और आप जाके, और उनसे हाथ जोड़ के कहेंगे जाइए जी आप जाएं और वो चले जाएंगे, उनके खिलाफ तो कुव्वत इस्तेमाल होनी थी जब वो जमा हो गए थे। बात यह है कि रियासत की रेट जो है मैं समझता हूँ कि इस बार बार चैलेंज हुई है, और इस इत्तेहाद से इस मुआहदे से बहुत बड़ा धचका है मेरी नज़र में रियासत के लिए, रियासती इदारों के लिए और नून लीग की हुकूमत के लिए, और सियासी जमातें जो दूसरी हैं मां सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबने इसमें पॉइंट स्कोरिंग की, उनको ये अंदाजा नहीं है कि नून लीग साहब आप हमारे साथ थे, और ओवरऑल तमाम सिचुएशन पर जो कि राय थी वो तो हमने जानी। इस वक्त हमें नईमुल हक साहब ने भी ज्वाइन किया PTI से, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया। नईमुल हक साहब, ओवरऑल 22 दिन एक तमाशा रहा और हमने देखा कि जो भी सूरत हाल रही अल्टीमेटली अवाम को इस सूरत हाल से बड़ा सफर करना पड़ा है। अब बड़ी बातें से हैं, कुछ धड़ेबंदियां भी सामने आ रही हैं, टूट फूट भी नजर आ रही है वाजे तौर पर, क्या कहेंगे जिस तरह से ऑपरेशन हैंडल किया गया, इसका बेहतर तरीका PTI अगर होती इस पोजिशन पर तो क्या बेहतर तरीका सजेस्ट कर? देखिए ये तो पूरी कौम पर वाज हो चुका है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये एक लंगड़ी लूली और अपाहज हुकूमत बन चुकी है जो किसी चीज के भी काबिल नहीं रही, और ये लोग हुकूमत भी नहीं कर पा रहे। ये जो आप 21 साल तक इस हुकूमत ने उससे समझ लें एक हठधर्मी, ऐसी हठधर्मी का मुजाहरा किया जिसके तहत इस धरने जो था इसके असरात पूरे पाकिस्तान में फैल गए और मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचा। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत की ना अहलियत थी ना इसमें कोई था कि इस मसले को इस तरीके से हल किया जाए, जैसा कि आखिर में फिर पाकिस्तानी अफवाज की मदाखलत के बाद जनरल बाजवा साहब की मदाखलत के बाद ही ये मसला हल हुआ। मैं नहीं समझता ये हुकूमत कुछ करने के काबिल थी, और अब भी ये जाहिर हो गया है कि इसके जो वजीर आजम हैं, आपको जैसा कि इल्म है कि वो जिस दिन यहाँ पे हंगामे हो रहे थे वो सारा दिन जाती उमरा लाहौर में नवाज शरीफ की खिदमत में मौजूद थे जी। और इनके जो वजीर दाखला थे उन्होंने तो पुलिस एक्शन से ला ताल्लुक का इजहार कर लिया।
अच्छा नईम उल हक साहब, अगर बात की जाए नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो धरने के बाद वो भी एहसन इकबाल पर काफी बरहम हो गए हैं और पंजाब हाउस में जब इजलास हुआ तो उसमें पॉलिसी यही अपनाई जाएगी कि जी जारहाना तो पॉलिसी रखनी है। आपको लगता है कि इतनी बैड गवर्नेंस के बाद उनको जारहाना पॉलिसी सूट करती है इस वक्त? क्या वक्त का तकाजा यही है? ने भी इशारा किया, वो फैलता चला जा रहा है। कई कौमी असेंबली के अरकान ने इस्तीफा दे दिया है, सुबह असेंबली के अरकान ने और भी इस्तीफे आ रहे हैं हमारी इत्तला के मुताबिक। इसलिए हमारा मुतालबा जो है ये और ज्यादा जोर पकड़ जाता है कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर मुस्तफी को जाना चाहिए और ऐलान होना चाहिए। सर नए इंतखाबात की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए यही कहा जाता है कि हल्का बंदियों के लिए जो दीगर अपोजिशन जमाते हैं वो तो सीरियस ही नहीं है, क्योंकि कोरम भी पूरा नहीं होता है, पीटीआई के भी लोग नहीं आते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं आते हैं, तो ये हल्का बंदियाँ होंगी कैसे? हल्का बंदियाँ का जो आपको इल्म है कि अभी तक सेनेट में ये कानून जो है नहीं हुआ है और हम देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का रवैया इस बारे में क्या होता है, क्योंकि उनकी बड़ी तादाद मौजूद है और उनकी हिमायत के बगैर ये बिल पास नहीं होगा। मगर हम समझते हैं कि इस मसले का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा, क्योंकि आईन में इस मसले का कोई हल मौजूद नहीं है। बंदियां एक नई मर्दमशुमारी के तहत नहीं हो सकती, तो क्या इंतखाबात में दाखिल होनी चाहिए या नहीं, ये मसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही। क्या समझते हैं आप? ये तो हम नहीं कह सकते कि इस वाकये को जिस तरह से हैंडल किया गया, हुकूमत उसके बाद मजबूत हो गई है, कमजोरियां तो नजर आ रही है, धड़े बंदियां तो नजर आ रही हैं, इनका पॉलिटिकल करियर किस तरह का देख रहे हैं आप? आगे इंतखाबात भी आने वाले हैं और कुछ इतला तो ये शायद इन्हें कंपेन भी ना करने दी जाए। देखिये मुस्लिम अरकान हमारे रबते में मौजूद है, ये अरकान जब मुंतशिर होंगे या इस्तीफा देंगे तो ये आजादाना तौर पर इंतखाबात हिस्सा लेंगे या बड़ी जमातों में जिसमें हम हैं या पीपल्स पार्टी है, मैं समझता हूँ कि ये उनमें शिरकत अख्तियार करेंगे। मगर मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त ताकत है अपनी कंट्री में, जिसकी वजह से इन्होंने ये हुकूमत बनाई हुई है, वो टूट चुकी है और उसका दोबारा नवाज शरीफ के तहत या किसी और क्यादत के तहत जमा होना मुस्लिम लीग में मुमकिन नहीं है। ठीक, अच्छा नहीं मलिक साहब, अगर अदालत के अहकाम के हवाले से बात की जाए तो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी की जानिब से भी इस दफा कड़े रिमार्क्स आए हैं, अब आपको क्या लगता है नून लीग की पोजीशन क्या है, जस्टिफाई करने के लिए अब इनको क्या करना पड़ेगा? देखिए आप जानती हैं कि इनकी क़यादत के खिलाफ मुकदमा शुरू हो गए हैं, कल हुदैबिया का मुकदमा शुरू हो चुका है, नैब में नवाज शरीफ और उनके खानदान के अफराद के खिलाफ मुकदमा जारी है। इनके तमाम वज़रा की जो तवज्जो है ना, वो सिर्फ नवाज शरीफ के इर्द गिर्द है, वो या तो जाती उमरा के चक्कर लगाते हैं या पंजाब हाउस के चक्कर लगाते हैं, उनको अपनी वजारतों में दिलचस्पी भी नहीं रही। उन सबको पता चल चुका है कि अब इनकी हुकूमत का अख्ताम करीब है, इसलिए उनकी दिलचस्पी भी बराए नाम रह गई है और पाकिस्तान की हुकूमत बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। इसका मीशत तबाह हो चुकी है, सियासी तौर पर बहुत ही संगीन हालात हैं, कौमी असम्बली में भी इनकी दिलचस्पी बराए नाम रह गई है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हालात अब इससे बेहतर इस हुकूमत में इससे बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल ठीक, अच्छा नईमुल हक साहब ये जरूर बताएगा कि राजा जफरुल हक की रिपोर्ट को इस वक्त मंजर आम पर लाने की बातें आ रही हैं और बाबर रहमान कहते हैं कि उन्हें नाम भी पता है कि उसमें एक खातून है और दो मर्द हैं, आपको कोई आइडिया है कि किन के नाम इसमें शामिल हैं? मंजर आम पर लाने की तो बातें हो रही है, साथ साथ पीटीआई ये भी मुतालबे कर रही है कि अब इलेक्शन फौरी हो जाने चाहिए, कितना आपको लगता है कि इस मुतालबे में आप लोग कामयाब हो जाएंगे इस सूरत हाल के बाद? तो ये बात हम लेनी चाहिए कि एक रिपोर्ट जो तैयार हो चुकी है इस हवाले से, उसको शायद करने के लिए या मंजर आम पे लाने के लिए 30 दिन का वक्फा क्यों रखा गया है? सही। 30 दिन क्या, मैं तो कहता हूँ सर उनकी जानिब से कहा जाता है कि 30 दिन के लिए तो इन्वेस्टिगेशन लीगल दी गई है कि 30 दिन के अंदर रिपोर्ट फराम करनी है। जी मनुषा रहमान का नाम बताया गया है कि आ रहा है, ये खुद जाहिद हामिद है और शायद कोई और भी हो, मेरे इल्म में नहीं है, मगर इस रिपोर्ट को छुपाने का क्या? ये असल में मुस्लिम लीग नून का फलसफा यही है कि अपने जो गलत करतूत हैं उन पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश करो। जिस तरह मॉडल टाउन की रिपोर्ट छुपा दी गई जिसमें शहबाज शरीफ मुलव्वस थे 17 आदमियों से खत्म है, जिस तरह डॉन लीग की रिपोर्ट छुपा दी गई जिसमें नवाज शरीफ और उनकी साथ ज्यादा मुलव्वस थे,
को छुपा दिया गया। अब इन्होंने ये राजा जफरलाख की जो रिपोर्ट है इसमें 30 दिन की दाखिल क्यों कर रहे हैं, उसका तो मेरी मत ये इसकी मंतक मेरी समझ में नहीं आती। ठीक, अच्छा सर, पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात की जाए तो ओवरऑल इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी के हवाले से यही कहा जा रहा है कि इस दफ़ा उसने बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की और पॉजिटिव रही है, और उन्होंने साथ साथ ये भी बयान दिया है कि हम आयन और पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की आप पोजिशन कैसे देख रहे हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी की सियासत अब सिंध तक महदूद रह गई है, वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब और अपनी खोई हुई साख को दोबारा बहाल करें, मगर पूरी कौम और तमाम जो पाकिस्तानी रहने वाले हैं पाकिस्तानी अवाम वो जानते हैं कि 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अपने इख्तियार से तजावज करके नाजायज तरीके से इस दौरान जो इन लोगों ने पैसे बनाए उसकी तहकीक अभी बाकायदा होनी बाकी है। इनके क्योंकि खुर्शीद शाह साहब उसकी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है कौमी असम्बली में, इसलिए इन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में होने वाली करप्शन के खिलाफ तहकीकात ना होने पाए। हम इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला सदर में आने का तो हम 2008 से नवाजिए 2016-17 तक जो मुल्क को लूटा गया जिस बेदर्दी से इंशाल्लाह उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करा के मुजरमों को सजा देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब, आप हमारे साथ थे। और ओवरऑल पीटीआई कैसा मौकफ है ये तो आपने जाना, सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि पीटीआई इस वक्त ये भी मुतालबात कर रही है कि अब जो इलेक्शंस है वो टाइम से पहले हो जाने चाहिए, और ये इनके जो मुतालबात थे ये पहले भी थे लेकिन अब जो है वो इन मुतालबात ने मज़ीद ज़ोर पकड़ लिया है, क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से सिचुएशन को मिस हैंडल किया गया है इसके बाद बहुत सी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं जिन्होंने पॉइंट स्कोरिंग भी शुरू कर दी है, और इस बारे में मैं पहले भी बता चुकी थी कि ये सिचुएशन ऐसी है जिससे चाहे अवाम मुतासिर हो रही हो ना हो रही है, लेकिन जब भी कभी ऐसा सियासी खेल सचता है तो लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते ही हैं। और इसी की एक कड़ी ये भी है कि जो इस्तीफों की आवाज़ें आ रही थी कि पहले एक जो हमारे विफाकी वज़ीर कानून हैं वो इस्तीफ़ा दें, उसके बाद अब ये भी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि वज़ीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला साहब भी इस्तीफ़ा दें, और इसके बाद पता नहीं और कौन कौन से लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक खातून है फिर दो मर्द हैं, उनके भी शायद इस्तीफे जो है वो अब तलब कर लिए जाएँ। तो ये तमाम तर ओवरऑल सिचुएशन जो है वो अब तक बन चुकी है, इस हवाले से मज़ीद भी बातचीत करेंगे लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। आ रही है, अब देखना यह है कि अपनी शानदार अदाकारी की बदौलत जगमगाने वाला यह सितारा मजीद कितनी कामयाबियां समेटता है। बिल्कुल जनाब, फवाद की बात करें तो डेफिनेटली अब उनकी एक नई मूवी आई है मौला जट 2, और बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। सिंगिंग से उन्होंने अपना करियर का स्टार्ट तो किया लेकिन उसके बाद एक्टिंग पे जब आए तो एक्टिंग पर तो राज उन्होंने किया ही है, लेकिन अब मौला जट का करेक्टर उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब ये मूवी आने वाली है, इस फिल्म के डायरेक्टर हैदर सुल्तान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उन्हीं से हम जो है वो इस हवाले से बातचीत करेंगे और जानेंगे मौला जट 2 के बारे में। सबसे पहले तो आपको शो में खुशामदीद कहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि मौला जट का नया सीक्वल आने को है तो आपको क्या लगता है कि कितना कामयाब होगा ये वाला सीक्वल? देखिए, मौला जट के बारे में मैंने काफ़ी डिफरेंट तरह की बातें सुनी हैं अब तक। मौला जट 2 जो बन रही है, बिलाल नो डाउट इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं वो। ओवरऑल मेरा जो खैर अभी तक किसके बारे में जो मैंने लोगों से बातें सुनी हैं उसके जो काम के हवाले से सामने आ रहा है कि ये एक 200 साल पहले का कुछ सब्जेक्ट उठा के बना रहे हैं, उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं फिल्म को उस हवाले से। देखिए, मेरा मानना ये है कि फिल्म जो उनसी है, जो ओरिजिनल बनी थी, इट वाज आइकॉनिक फिल्म, उसके मुताबिक उस तरह से उसको बनाना मेरे हिसाब से दोबारा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जो ट्राई कर रहे हैं इट कुड गो बोथ वेज, मेरा ये मानना है कि आइदर कुड बी अ हिट और कुड बी अ डेड फ्लॉप, इसके इन बिटवीन वाला कोई चक्कर नहीं है। जो आम फिल्मों के लिए पॉसिबल होता है कि कोई सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन जो पब्लिक है, जो जिसने जैसे अबू को पसंद किया, क्रशिंग को पसंद किया उस दौर में, कुछ लोग चाहते हैं कि उनको शायद उस तरह से ही उन आर्टिस्टों को उस अंग में देखा जाए। जब मेरी मुलाकात हुई इस बारे में बात वगैरह हुई तो उन्होंने जब डिस्कस किया थोड़ा बहुत मुझे बताया कि वो क्या बना रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि लाइक आई सेड हमारी पब्लिक जो उनसी है, अदर दे कैन लव इट और दे कैन हेट इट, यू कैन गो ईदर वे। ठीक है, बिल्कुल हैदर, आप जो हमारे लेजेंड्स कर गए हैं वो तो हम नहीं कर सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि वैसा हो, लेकिन फवाद खान मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि फवाद खान मौला जट का किरदार बखूबी निभा पाएंगे, क्योंकि जब मौला जट का नाम आता है तो सुल्तान राही साहब ही जहन में आते हैं? देखें कंपेरिजन तो है ही नहीं, पहली बात तो ये है कि
फवाद नो डाउट माशाल्लाह ही इज अ गुड आर्टिस्ट, अच्छा काम शाम वगैरह कर रहे हैं, लेकिन बात यह कि अबू के साथ एज मी बीइंग हिज सन, मैं भी उनके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो वो राइट नहीं होगा. लेकिन ये है कि आई एम श्योर कि जो जिस तरह से उनसे परफॉर्म करवाया, क्योंकि आई एम श्योर जो एक अच्छा डायरेक्टर होता है उसके माइंड में ये होता है कि मैं अगर इस आर्टिस्ट को खड़ा कर रहा हूँ इस कैरेक्टर में तो मुझे उसको इस तरह से हैंडल करना है कि वो मैनेज हो जाए. अगर वो ये ट्राई करेंगे कि उसको सेम अबू के स्टाइल में लेकर आएँ तो वो तो पिछले ऑलमोस्ट 20-22 साल से लोग ट्राई करते हैं, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने ट्राई किया लेकिन वो हिट नहीं हो सके. तो ये अब समझदारी डायरेक्टर की है कि वो उसको, क्योंकि ना उसका बिल्ट वो है ना उसकी वोकल वो है, बहुत डिफरेंट है टोटली. तो मेरे हिसाब से अगर वो चेंज करके लेकर आएगा मौला जट के कैरेक्टर को तो शायद वो लोग पसंद कर लें उसको. लेकिन हाँ, एज इट इज़ लाएगा तो मैं उसको अभी बता सकता हूँ कि वो नहीं चलेगा. जो अब मूवी आ रही है उसमें हमने एक चेंज देखा है, और वो चेंज ये है कि जो पहले गंडासा कल्चर चलता था वो अब गंडासा कल्चर इसमें नहीं दिखाया गया, बल्कि गंडासा को क्लाशनकोफ के साथ जो है वो चेंज कर दिया गया है. मगर दूसरी तरफ हम देखें तो सुल्तान रही साहब और गंडासा यही है जो मौला जट की बड़ी शान था, और इनका जो एक मिलाप है वही इस किरदार को बड़ा बखूबी बनाता था. तो आप क्या समझते हैं नए सीक्वल में क्लाशनकोफ का होना ये चैलेंज कितना मौसर साबित होगा? जिस तरह की पब्लिक जो क्राउड जो मूवीज़ को पसंद करते हैं वो दो तरह के हैं, या तो आप बनाते हैं सिनेपेक्स के लिए या बनाते हैं एक और डिफरेंट क्राउड के लिए. मौला जट का हिट होने का मकसद ये था क्योंकि वो जो बनाई गई थी तो वो उस टाइम में सिनेपेक्स तो थे नहीं, तो क्राउड ने पसंद की. जो एक मिसाल दी थी कि गर्म फिल्म थी, अच्छी एक्शन पंजाबी फिल्म थी, और गंडासा में जो उसका था उसमें बहुत ज़्यादा हिट हुआ उस करेक्टर में, उस मौला जट के करेक्टर में. तो लोगों ने फिर उसका वो इमेज अपने माइंड में बिल्कुल कैप्चर कर लिया, फिक्स कर लिया कि यार यही होना चाहिए. अगर अब आप उसकी जगह पे क्लैशनकोफ लेकर आते हैं या कुल्हाड़ियाँ तलवारें लेकर आते हैं तो लाइक आई सेड, मेरे हिसाब से एज मी बीइंग अ फिल्म, अगर मैं फिल्म देखने के लिए जाऊँ, अगर मैं एज ऑडियंस बात करूँ तो मैं तो डेफिनेटली वही इम्पैक्ट देखना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर, कि एक भरपूर एक्शन फिल्म होनी चाहिए जिसमें लोग उसको पसंद करें उस तरह से. क्योंकि लाइक आई सेड, ये चीज़ें जब आप रीमेक करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, और मेरे हिसाब से अगर इसको अगर आप गलती से भी थोड़ा सा अभी अगर आपने इसको मिस हैंडल कर लिया तो इट कैन गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों का माइंड सेट बन चुका होता है कि हम रीमेक देखने जाएंगे तो बस चेहरे चेंज होंगे लेकिन कहानी और जितनी भी उसके अंदर प्रॉप्स यूज होंगे वो वही होने चाहिए. अच्छा, आपसे ज्यादा तो आपके वाले साहब को किसी ने भी नहीं देखा होगा, तो जब आप सुल्तान राही साहब को गंडासे के साथ देखते थे तो इनके ऊपर एक रॉब सा नजर आता था और ये लंबी लंबी सी मूछें होती थी, चेहरे पर भरम भी नजर आता था, और थोड़ा अपने अल्फाज में ही बताइएगा कि आप अपने वालिद को इस किरदार में देखते थे तो आपको लगता कैसा था? देखें पहली बात, मैं जितने भी इसको लोग इसको चैनल को वॉच करेंगे बताना चाहूँगा कि अबू के बारे में डेफिनेटली उनका जो करेक्टर था बहुत अग्रेसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्शन हीरो का एक रहा है, लेकिन उनकी जो लाइफ है वो टोटली इसके बरक्स थी. आई मीन टोटली ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी लविंग पर्सन, अ वेरी वेरी नाइस फादर, और सबसे अच्छी बात यह कि उनका दीन से बहुत ज़्यादा उनका लगाव रहा है, दुनिया से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ. मतलब है कि अगर उन्होंने 35-40 ईयर्स फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज किया है तो उसकी वजह यही बनी है कि उन्होंने कभी भी अपने अंदर वो मैं लेकर नहीं आए. जो आजकल के मैं देखता हूँ नए जुमा जुमा दिन आर्टिस्ट उठते हैं उनके अंदर एक मैं आ जाती है, उनमें कभी भी वो नहीं आई, जिसकी वजह से माशाल्लाह उन्होंने इतना अरसा उन्होंने राज किया. तो मेरे हिसाब से ये हम्बलनेस, ये डाउन टू अर्थनेस इंसान में रहनी चाहिए, बिकॉज यही आपको आगे लेके जाती है. और दूसरी वजह, उनके टाइम में फिल्म इंडस्ट्री इसलिए भी बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करी थी बिकॉज ही यूज़ टू थिंक अबाउट एवरीबॉडी एल्स, नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ. कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सुल्तान राही होने के नाते मेरे लिए बेटर क्या हो सकता है, नहीं, उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर के लिए अच्छा क्या हो सकता है, मेरे को स्टार्स के लिए अच्छा क्या हो सकता है. उन्होंने हमेशा औरों का ख्याल किया, एहसास किया. तो एज अ पर्सन आई वुड से ही वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन, माशाल्लाह ही वाज वेरी 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 लविंग पर्सन, एंड उन्होंने हमेशा यही किया कि अपने आप को उन्होंने पीछे करके अगले बंदे का पहले सोचा, जिसकी वजह से 35-40 ईयर्स बहुत अरसा होता है अगर इंडस्ट्री को लेकर वो चले हैं. अल्लाह ताला की खास रहमत भी होती है कुछ लोगों के ऊपर, माशाल्लाह उनके ऊपर थी, इस हवाले से भी उनका एक लगाव था दीन की तरफ, अल्लाह ताला की तरफ. तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें बहुत अकाउंट करती हैं फिल्म इंडस्ट्री को लेके उसको आगे चलाने के लिए, कि आप और लोगों का ख्याल एहसास करें, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ. सो दैट्स आई ऑलवेज से वन सेंटेंस अबाउट हिम, दैट ही वाज द सुल्तान ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, ही इज द सुल्तान ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, एंड ही विल ऑलवेज अच्छा ये हमने आपके फादर के बारे में बात की, और जैसे कि आपने कहा कि वो वाकई में सुल्तान है पूरी इंडस्ट्री के, तो इस बात से तो मेरा ख्याल है कि कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा, वो सुल्तान थे और सुल्तान हमेशा ही रहेंगे. कुछ आपके बारे में बात करते हैं, आपके बारे में जानना चाहेंगे हम कि आप अपने वालिद के नाम से इंडस्ट्री में आए हैं या फिर आप अपनी कोई अलग पहचान बनाना चाहते हैं.
देखिए मैंने जब से फिल्म स्टार्ट की मैं सोचता हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने उनके साथ 5 फिल्मों में इकट्ठे काम किया. आई वॉज वेरी यंग जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन एट दैट टाइम मैं कुछ समझ रहा था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए कैसे करना चाहिए, बिकॉज आई वॉज लर्निंग. लेकिन ये है कि मैंने कभी भी उनका स्टाइल अपने में लाने की कोशिश नहीं की और ना उन्होंने कभी चाहा कि मैं उनके स्टाइल में आऊँ, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था कि जो भी लोगों ने ट्राई किया क्या बना. लेकिन आई फील लाइक कि हर एक्टर का ना एक होम ग्राउंड होता है जिसमें वो खेलता है. राइट. जितने भी एक्टर्स जिंदगी में सुपर हिट हुए हैं उनका वो एक एक्टर ऐसा रहा है जिसकी वजह से लोगों ने उसको लाइक किया. आई पर्सनली फील कि मैंने जब भी कभी काम किया तो मेरे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह कितना बड़ा नाम इतना बड़ा शेडो है कि उसमें से निकलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ा कि यार अपना अपनी पहचान अपना एक नाम बनाने के लिए. सही. और अभी भी कर रहा हूँ. लेकिन फिर मैंने फाइनली ये रियलाइज़ किया कि लोग मुझसे क्या चाह रहे हैं. मैं तो अपने लिए क्या चाह रहा हूँ वो तो मुझे समझ में आ गया कि यार मुझे डिफरेंट करना है, बट वट द ऑडियंस वॉन्ट फ्रॉम मी एज बींग सन ऑफ सुल्तान राही साहब, देन आई फाइनली रियलाइज्ड दैट यू नो दे वॉन्ट सी मी इन एक्शन फिल्म्स. जैसा वो उनका एक इमेज था, एक आइकॉनिक इमेज था, इसी तरह से लोग मुझे जब भी उनके फैंस मुझे मिलते हैं या मेरे फैंस मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हैदर भाई आपको हम उसी रोल में देखना चाहते हैं, उसी तरह देखना चाहते हैं. ये जो गेटअप मेरा आप देख रहे हैं, ये मेरे जो भी फिल्म मैं कर रहा हूँ ये मैंने उसी के लिए रखा हुआ है. और अभी मुझे लगता है कि शायद ये कुछ लंबाई चलेगा, बिकॉज हर बंदा ये चाह रहा है कि जी मुझे वो उसी तरह से, क्योंकि वो कहते हैं जब भी कभी हम आपको देखते हैं तो हमें आपने सुल्तान राही साहब नजर आते हैं. ठीक. सो आई हैव टू सी कि वो मुझसे क्या चाह रहे हैं, तो इसके मुताबिक अब मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला ऑफ कोर्स मैं कभी भी उनके ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पहले भी कहा, लेकिन प्लीज़ आई कैन ट्राई टू बी लाइक हिम ऑन स्क्रीन. तो इंशाल्लाह ताला देखें, ट्राई यही है कि टू मेक माई ओन मार्क एज अंडर हिज शैडो लिटिल बिट द वे ही वाज. बहुत शुक्रिया सुल्तान. सुल्तान राही के बेटे इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे. मौला जट का रीमेक बनने वाला है और मौला जट जो है वो डेफिनेटली एक ऐसी मूवी है जो आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप तब पैदा भी ना हुए हों या आप पैदा होने के बाद आपको पता चला हो, लेकिन आपको पता चलता है कि जी आपकी फैमिली आपको बताती है कि देयर वॉज अ मौला जट और कोई मौला जट हैं और वो इस तरीके से बोलते थे, इस तरीके से रिएक्ट करते थे और पूरा पाकिस्तान ही नहीं बैनुल अक़वामी तौर पर भी उनको पज़ीराई हासिल थी. सुल्तान राही जो हैं बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े लेजेंड है और उनके हवाले से अब इस मूवी का रीमेक आ रहा है, तो देखते हैं लेट्स सी के किस तरीके से लोगों को पसंद आता है. क्योंकि आज भी जो उस दौर के लोग थे, जो उस इराक के लोग थे, वो आज भी जो है वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद मौला जट बन रही है तो उसमें गंडासा होगा. क्योंकि जब मैंने अपने फादर को बताया तो उन्होंने कहा कि अच्छा उसी तरीके से वो उनको गेटअप करेंगे, वही सारा प्रॉप्स होगा. तो मैंने कहा कि नहीं, उसमें क्लैश तो इस रोल को जिस तरह भी निभाएंगे वो तो अपना तरीका है, बट मैं उनकी जो अपीयरेंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुझे मैं क्यूरियस हूं, मैं देखना चाहती हूं कि बाकी में ये क्या मूछें होंगी इसमें या फिर किस तरीके exactly. से अपना मतलब नए दौर का मौला जट जो है वो कैसे होंगे और बिल्कुल इतना उनको आम पसंद करेगी. एग्जैक्टली exactly. अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है. और अब हमें जनाब इंस्ट्रक्शंस हैं कि कुछ खाने पीने की भी बात कर ली जाए. तो मेरा ख्याल है कि खाने पीने में रैपिड रेसिपी में आज क्या बन रहा है, हम दोनों देखते हैं कि आज क्या बन रहा है, उसके बाद बात करते हैं.
कुछ नहीं, डिलीशियस क्रीमी टोसन चिकन जो है वो आप जरूर घर पे ट्राई कीजिएगा और इसकी रेसिपी भी बड़ी आसान थी। बिल्कुल जनाब, इसको आप स्पेगेटीज के साथ या फिर किसी पास्ता के साथ भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी बड़ा टेस्टी लगेगा। एनीवे, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की रेसिपी और आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए एंड कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।